नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं रात्रि को सोने से पूर्व ऐसे तीन काम क्या करके सोएं जिससे कि आपके बंधन कटें और आपके जीवन में जो भी आगे बढ़ने के लिए रास्ते रुके हुए थे उनमें फ़्लो बनना चालू हो और आप आगे बढ़ सकें। कोई भी रुकावट आपको उद्वेलित ना कर सके, जीवन का हर मार्ग आपको बिल्कुल कंटक रहित मिले जिससे कि आप बिना किसी अवरोध के अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ सकें। तो ये तीन काम आपको करने हैं सोने से पूर्व, और जब आप ये तीन काम कर लेंगे उसके बाद में आपको ये पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना ज़रूरी है कि आपने जो भी काम किया है वैसा ही होगा। क्योंकि यदि आपने ये तीन काम कर भी लिए लेकिन आपकी सोच अपने उद्देश्यों के प्रति नकारात्मक रही तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। आशावादी दृष्टिकोण होना बहुत आवश्यक है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आप आशावादी चिंतन करें और ये सोचें कि आपके जो भी अवरोध थे वो मिट रहे हैं और आपका काम बन रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। इसके अलावा जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं हृदय से आभार प्रेषित करती हूँ और आपकी शुभता की सदैव कामना करती हूँ। मित्रों, यदि आपको परामर्श लेना है अपनी कुंडली का तो इसके लिए मैं ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, उसमें आप अपने जो भी सवाल भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आपको जो अमाउंट निर्धारित है परामर्श के लिए वो आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा बैंक में, उसके बाद ही आप परामर्श ले सकते हैं। और ये प्रोसेस इसलिए आवश्यक है कि कुंडली देखने में बहुत समय लगता है और ये कोई साधारण काम नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शुभता बनी रहे और आप चाहते हैं कि आगे से आगे जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उसका निवारण आप समय रहते ही कर लें तो अपनी कुंडली की जाँच आपको अवश्य ही करवा लेनी चाहिए, भले ही हमसे या किसी और से। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपको सोने से पूर्व तीन काम करने हैं। पहला काम ये है कि पूरे दिन भर में जिसने आपका दिल दुखाया है उसके लिए एक लाइन लिख लीजिए कागज़ के ऊपर लाल रंग के पेन से। सिर्फ लाल रंग का पेन लेना है और समस्या एक ही लिखनी है। मान लीजिए दिन में तीन चार लोगों ने आपका दिल दुखाया है लेकिन आपको किसी एक को ही चूज़ करके उसका ही लिखना है और एक दिन में एक ही व्यक्ति के बारे में लिखना है। उसका नाम लिख लीजिए, एड्रेस मालूम है तो एड्रेस लिख लीजिए, ये सब चीज़ आप उसमें लिख दीजिए। समस्या लिख लीजिए कि किस वजह से उसने आपका दिल दुखाया है। उसके बाद एक लाइन और लिखनी है कि ये काम आज से उसका बंद हो गया है, आज के बाद दोबारा वो कभी आपका दिल नहीं दुखाएगा या दुखाएगी, सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखेगा या रखेगी। इसके बाद उस कागज़ को फोल्ड कर दीजिए, टॉयलेट में जाकर उस कागज़ को जला दीजिए। लाइटर से जलाना है, माचिस का प्रयोग मत कीजिएगा। उस कागज़ को टॉयलेट में डालकर जब आप जला देंगे उस कागज़ को डालकर फ्लश कर दीजिए और हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लीजिए। एक तो ये करना है आपको। दूसरा काम आपको ये करना है कि एक डायरी मेंटेन करिए। उस डायरी के अंदर आपको किसी भी पांच चीज़ को थैंक्स बोलना है। आपको किसी भी पांच चीज़ों को थैंक्स बोलना है। ऐसी पांच चीज़ें जो आपके जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी हैं और जो आपका पोषण करती हैं, आगे बढ़ने में सहायक है। अब वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? वो चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है, सजीव निर्जीव कोई भी चीज़ हो सकती है। आप मान लीजिए आपने सुबह नाश्ते में ब्रेड खाई थी तो आपको लिखना है कि मैं ब्रेड का धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ जिसने मेरा आज पेट भरा। आप अगर ऑटो रिक्शा या कैब से कहीं जा रहे हैं तो मैं कैब को थैंक्स करता हूँ और थैंक्स करती हूँ कि इसकी वजह से मैं अपनी मंजिल तक पहुँच पाया या पहुँच सकी। तो इस तरह से कोई भी पांच चीज़ें आप चूज़ कर लीजिए और उनका आप थैंक्स कीजिए। इसके बाद सोने से पूर्व आंखें बंद करके एक डीप मेडिटेशन कीजिए। उस मेडिटेशन में आपके जो गोल हैं लाइफ के उनके बारे में चिंतन कीजिए और ये इमेजिनेशन में सोचिए कि वो आपके गोल पूरे हो रहे हैं और वो गोल किसी के भी रोकने से रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि वो संपूर्ण हो चुके हैं। और अपने आप को उस परिस्थिति में खड़ा हुआ देखिए। अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो इमेजिनेशन में सोचिए कि आप कलेक्टर बन गए हैं और अपना वर्क कर रहे हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये सोचिए कि डॉक्टर बन गए हैं और अपना वर्क कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ सोचने से भी काम नहीं चलेगा, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। और ये आप करके देखिएगा, डेली तीन काम रात को करके सोइए। इससे आपके जो भी अवरोध हैं वो हटेंगे और जीवन में प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।